जाग तो सारा कोशिश करता है। देखो मौका देखो, आज देखो देख लो जी, यो मेरे लिए इत्तफाक बना है। वो हिंदू मुस्लिम करनी है, हिंदू हिंदू की बात करनी है। आज वो हिंदुआ की मंदिर की यह व्यवस्था हो रही है इस शहर के अंदर, क्योंकि यो शनि महाराज का मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है और आगे सीवरेज का पानी है। ये बुढ़ी लुगाई बेचारी देखियो कैसे कर रही है। हाँ, मजबूरी है या कैसे के करी है ये बुढ़ी लुगाई, स्टंट कौन कर लग रही, लेकिन यह है कि मजबूरी भाई। हटा दी किसके बाटे बुटे बड़े किसके बना रहे हो, अपना है हटा दिए पत्थर भाई, रात होता तो बना दे रहा है होगा। बच्चा देखो कैसे किस पोजीशन पर है, देखो 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 बच्चे की तस्वीर तो देखो आप, ये बेचारे स्कूल में बच्चे किचड़े में पड़ जाते हैं जी, देखो ये हमारी हालात है। लंगा सर नमस्कार। सर आप लाइव रिकॉर्डिंग पे हैं और मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो एरिया है आपका पिपली वाले जोड़ी के पास, थोड़ा आगे टावर वाली गली, उसमें ये है कि सीवरेज भी ब्लॉक है, बजाम है, सीवरेज का बैग पानी मारने लग रहा है। बस यह है कि जिंदगी लोग जीने लग रहे हैं और दो ढाई महीने हो गए इन लोगों ने, तो कोई आसपास से ना दे प्लीज़, हूँ ना करें प्लीज़। अब तो विनती है टाइगर बन जाओ आप भी, कोई नहीं चेक करवाते, नहीं अब चेक करो रंगा साहब, रंगा साहब। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, 24 आने लग रही है, चुनाव की लोग तैयारी करने लग रहे हैं। और जी अगर मैं शहर की बात करूं, मैं ग्रामीण दरा की बात करूं, तो व्यवस्था दिखाने लग रहा हूं। और उसी व्यवस्थाओं के बीच में कल या परसों मेरे साथ में एक हादसा सा घटा कि विनती आपसे रंगा साहब, जेएनसी की विनती है कि आप अपने कर्मचारियों को समझाया करें कि एटीट्यूड ना दिखाएं। बस ये है, सवाल है, जनता के हैं, जनता के लिए हैं भाई। इसे एरिया की बात करूं, किसी एरिया की बात करूं, तो वो मेरा काम है दिखाने का, मेरा काम यही है। मेरी तरफ आपके कर्मचारी जो आग काट काट के आए वो ठीक नहीं है। ये रंगा साहब से विनती है, जो पब्लिक हेल्थ के अंदर एक्शन साहब हैं, तो विनती अपने कर्मचारियों को समझाएं, आप काम के अंदर सतर्क तक दिखाएं, मेरी तरफ आंख दिखाने की बजाय आप लोग उनसे विनती करें जो आप उनका काम है। और मेरा काम यो है कि मैं आज इस व्यवस्था दिखाना आ रहा हूं, क्योंकि मेरा काम ही तो है। अब सौभाग्य है इस एरिया का जिस एरिया में मैं खड़ा हूं, कल मीठा मीठा रात को इंद्रदेव राजी होया है छोटी काशी पर, छोटी काशी राज्य आया है तो ठंड कम हो जाएगी, क्यों होगी बेला को नहीं, लेकिन यह है कि मीठी मीठी बूंदा में मज़ा आ गया रात में, जाडब लगा था, अच्छा सुथरा लग रहा। लेकिन उस शहर के अंदर की अगर बात करूँ तो शहर है जो तीसरी योजना थे MLA बना दे है, दूसरी योजना थे MP बना दे है, जो चेयरपर्सन बना दे, सारे सौदे यो एरिया बना दे है। जो नेता मुँह काट काट के नेता बनने की तैयारी करे हैं, वो लोग कद देखेंगे, किस तरह आओगे, किस तरह नहीं आओगे, बेरा कौन नहीं। लेकिन यह है कि एक गली का आदमी जागरूक है, मेरा बड़ा भाई कह लो राजेश मिस्त्री, ठेकेदार भी हुए वो, और उसने बस फ़ोन कराया कि हम इस स्थिति में जीन लाग रहे हैं। अब यह स्थिति कौन सी है देखा देता हूँ, क्योंकि यह सीवरेज की स्थिति दे रखी है। ये सीवरेज की स्थिति में के तो इनकी व्यवस्था होगी, किस तरह ये जीमते होंगे, ये कौन से गले कि प्राणी हमारे नुकम बेरा उड़े तो खा ले, हर उड़े सारा सौदा कर कर आगे फारिक हो ले, और वही व्यवस्था में फिर ये लोग जीण लग गया है। इसका जिम्मेवार कौन है, बेरा कौन नहीं। बस यह है कि कल रात को इंद्रदेव राज्य हुए थे, तो इंद्रदेव राज्य हो गए, तो इंद्रदेव राज्य होने के कारण बस प्रशासन का गले की फांस बन गया सौदा। अब यो व्यवस्था कै दिन सुध लगी, कै दिन सुध लगी, बेरा कौन है। यानी यह है कि आप हनुमान गेट से लग जाओ और ये पिपड़ी वाली जोड़ी है वहाँ तक आ जाओ, तो इसकी व्यवस्था यह है, चाहे वो मेन रोड हो, उड़ा माता के मंदिर भी हैं, भैरों के मंदिर भी हैं, उड़ा सारे चीज़ों के मंदिर हैं जिसके अंदर देश के अंदर रोड़ा ताल रहा है, मंदिर बचाओ, हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, मंदिर बचाओ। लेकिन व्यवस्था की बात कोई ना तो नेता करें, ना ये अधिकारी करें, ना ये लोग करें, क्योंकि इस भाई ने ये सारे आदमी इकट्ठे करें घर में जा जाकर जाके। एक तो मैंने क्या कहा पीछे खड़ा खड़ा क्या कहा था वो, वीडियो तो सारे बना हाँ वीडियो सारे, अरे मैं तो मेरा काम करूँ यारो,
तेरा काम बोलन का, मेरा काम बताने का, दिखाने का। आ जाओ, इवी इसका थूक सूक रहे नू तो नू नू तो नू नू तो नू बाज गए सारे पड़ोसी इकट्ठे कर दिए, क्योंकि चिंता है कि वो इससे तो बड़ा होया है, उरे सारे काम हो गए, उरे सौदा हो गया, लेकिन बदला के है सिर्फ बदला यो व्यवस्था है, यो शहर है। अब यो शहर किस देश का है, यो शहर कौन से ग्रह पे है, यो शहर पता नहीं है या ना नक्शे में कितने, लेकिन यह है, ये लोग हैं, ये वोट डालने की मशीन है 5 साल के अंदर की, ये कठपुतली है उन नेताओं की जिनने आज लज्जा शर्म नाम की चीज इस चेहरे पे देखी जाए को नहीं, क्योंकि यो शहर है वह गाड़ी आने लग रही और यो बस्ती है। अब बेरा को नहीं अप्रूव्ड है या अन अप्रूव्ड है या के अप्रूव्ड अप्रूव्ड कौन नहीं है अन अप्रूव्ड है तो आप लोग मकान फूट फाट कदे भी आज के मतलब तो बोल रहे थे लेकिन नहीं है को काम के लिए जाओ तो मना कर देते हैं। तो ये सीवरेज है, स्टीलेट भी आ रही है, वोट भी डाल लो हो तो जो को अप्रूव करोगे के करोगे। पूछा है 2-3 बार एमसी से, उनको मना कर दिया, बोला भाई बचल रही है। एमसी कौन था ना? एमसी है पवन है जी, मेरा ये फोन दिया किसे, पवन वाले भर के नमन मोहन मंदिर मिला एमसी तो बात कर दी हूँ। क्यों क्यों कह थी बोला कौन सुना मार कोई तुम जाओगे इकट्ठे हो गए डीसी का पेश हो धरना धरो रोड पे बैठो कुछ भी करो। हाँ जी पवन ये बात हो रही है सारी कोई सुनाई कोई नहीं लगी तो वोट दिए थे पीछे से तो वोट दिए थे जी वो दे दिए बस वो हमने जब तक सफाई रखी लाइट के कुछ ही सब कुछ पूछा उसके बाद वो मना हमने गलती कर रखी बहुत क्या वोटा तो जरूर बहुत परेशान हो रहे हम तो 2 महीने पहले भी कहा था कि भाई सीवरेज बन रहा है, वो सीवरेज भी बन के तैयार हो गया, 1 महीना हो गया उसको, लेकिन ये कोई सुविधा नहीं है, उ रहा है नरक पर बैठ के खाना खा रहे हैं और बीमार रहा गंदगी से बीमारी होगी जी। मोदी जी कह रहे स्वस्थ भारत कहाँ है बताओ। तो और इस भाई का प्रोग्राम था उसकी उसको सुनो एक बार। अच्छा भाई बता सर मैं तो यह बात जान हूँ हमारे तो खूब लागे हैं, हमारा दुर्भाग्य है 2-2 बारी एमसी बन लिया हमारे यहाँ का यो पवन कुमार है, 2 बारे हमारे विधायक बन लिया घनश्याम सराफ है, वो 30 बार 3 बार बन लिया, लेकिन भिवानी शहर का आप देखते हो क्या हाल है, हमारे बड़े बड़े नेता हैं नू कहते हैं स्वस्थ भारत कहाँ रहा है सर, ये देखियो हमारी बहू बेटी या लेटरिन में जाओ तो बताओ वो तो सारा गली में हो तो बैठ नहीं सकती, ये बाहर जाओ है स्वस्थ भारत रहा का। आप ये बात तो मानते होंगे, वहाँ तो उगाड़पण हो गया सारा, बेचारी हमारी बहू बेटी है सारी लेना ऊपर लेटरिन गाड़ना है, ये तो यहाँ तो मजबूरी हो गई, कहाँ स्वस्थ भारत रहा, कल परसों 26 जनवरी गई कहाँ गणतंत्र दिवस हमारा, हम तो नरक में बैठे हैं, पाकिस्तान में बताया भुंडा काम हो रहा है, को हमारी विधातरी का को देश है कि नहीं है ऐसा हाल कर रखा हमारा, तो क्या कहूँ बताइए, नेता है हमारे मुख्यमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री है स्वस्थ भारत लगाते लगना। सर नमस्कार सर आप लाइव रिकॉर्डिंग पे हैं और मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो एरिया है आपका पिपली वाले जोड़ी के पास थोड़ा आगे टावर वाली गली, उसमें यह है कि सीवरेज भी ब्लॉक है बजाम है, सीवरेज का बैग पानी मारने लग रहे हैं, बस यह है कि जिंदगी लोग जीने लग रहे हैं और 2-2.5 महीने हो गए इन लोगों ने, तो कोई आसपास से ना दें प्लीज, हूँ ना करें प्लीज, अब तो विनती है टाइगर बन जाओ आप भी, कोई ना चेक करवाते नहीं, अब चेक कराओगे रंगा साहब, रंगा साहब 2.5 महीने से बंद है ये सीवरेज की लाइन, ज्यादा हो गए अभी अभी इसको चेक ही कराओगे, विनती साहब यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या आप इनको आश्वासन देंगे, आप इन लोगों से प्लीज बात तो करें, ले एक्सर साहब है गाड़ी बताएं। हाँ सर नमस्कार, हाँ जी के लोग समस्या आज हमारी आ बहुत ज्यादा बड़ी, एक बार आके तो देख है जी जय साहब, तो उरे 3 बार आ चुके जी और गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और चला गया। हाँ जय साहब आए थे जी पवन एमसी के साथ, बोले भाई मैंने गाड़ी से नीचे मत उतारिए नहीं तो पब्लिक चिपट जाएगी, मेरा यह पोजिशन है जी, गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरा और चुप के गाड़ी में बैठा बैठा चुपचाप निकल गए, हमने तो पता ही नहीं जी, वो बाद में पता लग गया हमने। रंगा साहब लैंड पे है क्या? हेलो रंगा साहब,
भाई रंगा साहब फोन काट गए, लेकिन यह है अब कद मरेगी सासू और कद आओगे आंसू। ये रंगा साहब जागेगा क्योंकि एक्शन साहब है, रंगा साहब जागेगा तो MLA साहब जागेंगे, मेरे सुते पड़े होंगे बिलालू। लोग कहते हैं आजकल मीडिया ट्रेन चल रहा है कि हमारा MLA सुते पड़े, हमारा MLA सुता, वास्तव में शहर का MLA सुता पड़ा है। कभी कोई MLA साहब नु कह दो कि वास्तव में वाह भाई हम उरत देखी, ये भी देखो, देख सका ये भी देखो, ये देखो भैया बच्चों ने लेकर के अंदर ही बैठते हैं, बाहर कोई काम नहीं है। जिंदगी से कट्टन लग रहे हो जी, नरक का कीड़ा है बिल्कुल, खा ले हो और भाई उड़े कर दे हो और वह व्यवस्था हम फिर ले लो। मकान के नमस्ते, नमस्ते बता आप तो अध्ययन गम मराया करा, तो गांव सुने हैं कि यह व्यवस्था सुनी है भाई, गांव सुना सा हम तक इस बस्ती तो कौन ही काम। अरे मजबूरी से भाई किस जात हो है बना लिए, हाँ बना लिए, हम तो नुकाई ने अधिकारियों ने 3 घंटे यार कुर्सी काल के बिठवा के दिखे खा जो भरी, 3 घंटे तो बहुत दूर की बात है, वो आप बता देंगे क्या हाल है जी, अरे वो आप बता देंगे, खड़ा नहीं रे हमने कहने की जरूरत नहीं है जी, वो आप कह देंगे। आप लोगों में भी एक कमी है भैया, देखो मेरी बात सुनो, जब वोट आवे है थम झंडे ठाने बन जाओ हो, थम सारे होदे बन जाओ, फिर तो थारा पता काम भी धंधे छोड़ दो हो, है मानो ना वो तो देखो कर करना ही पड़ा जी, किसी का साथ देना पड़ेगा, श्वास श्रात का मेरा काम, तो साथ दिया करो तो काम कान पकड़ने का जवाब सुट्टे भाई मेरा काम तो करो। मेरी बात सुनिएगा, हमारे पवन जो है यहाँ के जो MC है उन्होंने हमारे बार बार ये कहा कि हमारे हनुमान ढाणे जो है वो बिल्कुल क्लियर, वहाँ को काम नहीं है, सिर्फ पीपली वाली रह गई है, पिछली बार भी बुला पीपली वाली में हम 100% काम करवाएंगे, आश्वासन दे के ना पिछली बार वोट ले ली हमारे पे, इनकी बार आके माफी मांग ली उसने, बोला भैया किस गलती बार तो माफी होगी लेकिन इनकी बार मैंने वोट दो मैं जीरो का काम करवाऊंगा आपका, चलो वो देख लो क्या काम है। ये तो है पैसे तो यहाँ के सब होते हैं जी और लगते कई हो रहे हैं। अच्छा हाँ जी, यहाँ लगते हो पैसे, देखते हैं जी अब रंगा साहब कब तक करवा देंगे, लेकिन यह व्यवस्था पूरा रोड की आगे तक की है, दिखा दूंगा आपको है आगे तक भी गली हो रही गई। अच्छा आ जाए पंगल, देख लो पंगल आजा, देख ले है तू क्या किसका जिक्र करा है, यो बार ना हो बच गया राम तो है। अब ये आदमी जीव है क्यों है बेरा है को नहीं भाई। अच्छा गली कदम ने दिए रास्ता तो कौन को देखो, ये देखो बहुत तरीका है जमा करने का, ये भी शिव रूप है, देखो ये देखो एक बार ये देखो पंगा दिखा, ये देखो शिवरे दिखा, ये बुलबुले दिखाओ, दर्शन कराओ नरक के, क्योंकि उरे भविष्य तैयार भी होगा। बच्चा देखो कैसे किस पोजीशन पर है, देखो 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 बच्चे की तस्वीर तो देखो आप, ये बेचारे स्कूल में बच्चे किचड़े पड़ जाते हैं जी, देखो ये हमारी हालात है दीवार का साथ भाई, खड़ा गया था स्कूल से अर्ध स्कूल है गए तो ऐसे अच्छा घूम के जाना पड़ा है गली या सर है के नाम है चिराग, कौन सी में हो गया पांचवीं में, अब पांचवीं का भविष्य है अपने शहर की दशा याद दिखेगा, लेकिन यह है कि यह जिंदगी है और यह जिंदगी इंसानदा की है। अब तो जी वो अधिकारी जगेंगे नेता जगेंगे बेरानी उनकी के रात जगानी पड़ेगी, किस तरह के करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने करना पड़ेगा। अब ये काम धंधा छोड़ के धरना प्रदर्शन करें तो इनके बालक की खाएंगे वो किसका जी खाएंगे है, अगर काम धंधा करें तो व्यवस्था पाछे की इनकी यह हो जाए है कि नरक स्वर्ग और जो आकर वो सोदाड़े है ए। और इसकी व्यवस्था यह है कि मेन रोड पर भगवान का मंदिर है वो भी पानी किचन में धसे बैठे हैं है, तो बेरा को नहीं या किसकी तो लड़ाई लाग रहे हो किसकी के होने लाग रही है, बस यह है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बनाया जाएगा। ये बुढ़ी लुगाई बेचारी देखियो कैसे कर रही है, हाँ मजबूरी है या कैसे कर रही है, बुढ़ी लुगाई स्टंट कौन कर लाग रही, लेकिन यह है कि मजबूरी भाई हटा दी किसके बाटे बुटे बड़े होती हो किसका बना रहे हो अपना है हटा दिए पत्थर भाई रात होता तो बना दे रहा नहीं यो काम तो सही है भाई बिल्कुल किन्ना घर अपना किन्ना घर है
किन्ने घर घर किन्ने है ओ तरीका घर भी उड़े है के और आना नु पड़ेगा तो के गया घर में चीज थोड़ी दरिए भाई काट काट की खा लेंगे बर्त लेंगे ओडे बालक भी जागे डंगर भी जावे ए काट की जीभ काट देंगे वोटा खातिर तो जो के मतवल हो रहा हर फेरे चश्मे ठेकर धर धर की आ जाओगे वोट दियो वोट दियो वो तो मसा रहे हो रहे पवन यो पवन एम सी चश्मा लगा गया है वो काला के धोला धोला लाओ काला लगाओ वैसे धोला लगाओ बिजली की उन्हें सुविधा ने कोई चीज की सुविधा को नहीं लाडू छेद गए लाडू छेद गए लाडू हाँ लाडू छेद गए के नाम अपना नमस्ते के नाम अपना रोटी खा ले थोड़ा हां अच्छा ये बार खा लो चबित्र खा लो बात बराबर है ये हकीकत है कि ये पैर भीतर जाएंगे अब ये इसे इतने करोड़ी है कोनी इनके मकान में वो कुछ चिपस को लाग रहे मार्बल को लाग रहे दिखा दो खोल के दे गेट को गेट तो खोल के दिखा दो किसे का है इट्टा का खलंजा है अब कितनी बार पैर धोवा कितनी बार जावांगे कितनी बार क्या करेंगे बेरा को थाला पानी भरा पड़ा के ओहो हो एमसी लड्डू खा लेते छेद गए एमसी के लड्डू अब यो देखो कार्ड कूड किसा है तारा कार्ड कूड कार्ड जी मारा बीपी नहीं बने आना वो बन गया के पीला है अच्छा यो पानी है यो पानी देखो मैं मारे बच्चे देखो बुखार में या इस बच्ची का मकान है यो या अभी पेट में दर्द रखे है हम बीमार हुए पड़े हैं मेरा बेटा बीमार हो रहा है इतनी गंदगी में हमारा वहाँ कोई सुविधा नहीं हमारे लिए वोट के लिए आप आ जा है अरे वोट दे दो वोट दे दो वोट में हमारे खातर कुछ तो करो कुछ तो करो हा? कुछ तो करो शिवर की सुविधा दे दो और कुछ नहीं कुछ तो नहीं तो कुछ नहीं तो कैसे कुछ तो शर्म तो करो शर्म तो करनी चाहिए क्योंकि का मेरे पे केस ना करियो कोई कहते मेरे को केस कर दे मेरे पे केस करके बजाय काम करवा दियो है कि नहीं लेकिन यह है कि यह वास्तुता इनकी आत्मा रोवा है भाई न भोले कह लो मजदूर कह लो बस ये हवा गली गुमणिये लोग हैं लेकिन या एक कड़वा सच है इस हवा का जिन जिन नया हवा घूम जाए न उसका तख्ता पलट दे है और यो उदाहरण मोदी जी के रूम में है मोदी जी आप इन्हीं वोट बैंकों से बने हो जो 70 साल तक कांग्रेस राज करती आया करती हो वो वोट बैंक है जो दिशा और दशा बदल दिया करें नेता की लेकिन आज इतनी त्राईमाम इस शहर के अंदर इस शहर की व्यवस्था के अंदर पता चल रहा है कौन कि त्राईमाम ओवर किसका नाम की है क्योंकि वास्तुता पे कुछ दिखा ही कौन शहर विश्व का विश्व गुरु बनने की तैयारी में है व्यवस्था शहर की यह है सबसे पुराना शहर है तीन तीन मुख्यमंत्री दिए शहर ने प्रदेश को दिए बिना के आयाम दिया है लेकिन यह कॉलोनी कागता में अप्रूव हुई है नहीं हुई है बेरा कोनी खड़ंजा बन गया तार आ गई लाइट ला गई स्ट्रीट लाइट ला गई सारे सौदे लाग रहे हैं दुर्भाग्य है रात में तो सर कौन बेरा कोनी लेकिन दिन में लाइट तो है स्ट्रीट की है हाँ भवानी प्रताप सब आगे इसमें भवानी प्रताप हाथी पा में सब का सिर आ गया एमएलए का मतलब एमएलए ला रहा हूँ उसके पास ही भाई का प्रोग्राम था जी सर मैं अभी मेरे पोते की मैंने छठी मनाई थी हाँ तो मैंने सर को बोला था थोड़ी बहुत यहाँ से कुछ नहीं तो एक टैंकर पानी भरवा दे बोला था चेयरमैन साहब को अच्छा तो मैं कुछ नहीं तो एक आधे टैंकर भरवा के गली साफ तो करवा दे कम से कम बोला भाई मैं वहाँ उस टाइम पर वहाँ डाने में था दूर भी नहीं था बोला मैं आ रहा हूँ अभी वो वोट बैंक है जो तस्वीर को तकदीर को बदल देता नेता की तो इन लोगों से आपकी बार तो 24 के चुनाव आओगे क्या किस तरह से होगा किस तरह से देखा जाएगा लेकिन यह है खट्टर साहब से बात करो कौन हम करो ऐसा है जी मैं रहा हूं सुनो सर आप लोग करोगे ऐसा है सर मैं बताऊं ये प्रशासन तो यहां का तो करेगा कुछ भी क्यों अगर खट्टर साहब से ये बात करो वोट लेने हो मोदी खातर तो हम उसके लिए तैयार हैं अगर उसने वोट नहीं लिए तो हम तैयार नहीं है काम नहीं करा ना यहाँ तो हम काम वोट नहीं जाए एक इस वार्ड में 5,000 वोट है पाँच हजार वोट है हाँ जी सर मैं बताऊँ मैं ऐसी काशी उदाहरण जाती मेरी
सुनो मेरी बात, मेरे घर की कोई परिस्थिति, मेरा अंगूठा कटा हुआ देखो 9 महीने से, बच्चा बड़ा लड़का है, नहरा हो रहा है, मेरा राशन कार्ड काट दिया, मेरे घर के 16 वोट है, छोटे बटे बच्चे लगा के, नहबूर लगा के, सबके राशन कार्ड उड़ा दिया मेरा। अरे मैंने वार्ड नंबर 15 में हूँ जी, यहाँ पेंसिल भी ले रहे लोग गवर्नमेंट की जो फौजी दे, और मैं यहाँ के आदि का खुद दिखा सकता हूँ, जो पुलिस में वो लग रहा है उसकी पीला कार्ड बना हुआ है। चलो ये हालात हैं, ये कट्टर साहब वोट लेगा क्या, खत्म कर लिया अपने खुद साहब, ये इनकी व्यवस्था है। अगर चिंता हो प्रशासन को, चिंता हो मंत्री, चिंता हो सब ने, तो प्लीज देखना जरूर कि इसका एड्रेस के राज्य से हनुमान गेट पिपली वाली जोड़ी है जी, हनुमान गेट पिपली वाली जोड़ी है, टावर वाली गली, टावर वाली गली के, टावर वाली गली है। कोई नेता जाग जा, कोई अधिकारी जाग जा, तो कृपया करके सूद लेना जरूर, क्योंकि ये वोट बैंक है, अगर ये वोट बैंक सूद ले लेगा ना तो कौन कहाँ पे होगा, फिर भविष्य देख लियो, क्योंकि भविष्य भी ज़्यादा दूर है कौन, और इतिहास भी देश में बहुत जल्दी बड़ा है। अब बना वो हिंदू मुस्लिम करनी है, हिंदू हिंदू की बात करनी है, आज वो हिंदुओं के मंदिर की यह व्यवस्था हो रही है इस शहर के अंदर, क्योंकि यो शनि महाराज का मंदिर है, शनि महाराज का मंदिर है, और आगे सीवरेज का पानी है। अब किस तरह तो शनि महाराज लोग आवे, किस तरह की, और वो हनुमान जी का मंदिर है, हैं, और उसका आगे व्यवस्था यह है, तो लोग को कर धोख मारना है, लोग धोख धक मारन को करावे, आए नहीं सकते, बच्चे और पड़े हैं, बच्चे पड़े हैं, हाँ नमस्ते जी, अरे दुकानदार है, तो कितने दिन की व्यवस्था हो गया, बहुत बड़ी समस्या है जी हमने तो, तो मंदिर हम धोखा मारन को कराओ, बहुत मुश्किल हो जाए है, आओ तो है धोख मारन तो फिर करें के बेचारे, हैं करें के धोख मारन तो आवे ही है, आवे है मजबूरी हो जाए है, लेकिन यह मेन रोड की व्यवस्था है और सीवरेज की व्यवस्था है, बहुत ज्यादा तकड़ी। चलो जी, यह है मेन रोड की व्यवस्था। नमस्कार जी भाई साहब, अद की बात है, आप लोग अगवाई करो हो, आप लोग सारे काम करो हो, शहर में प्रमुख आदमी हो, लेकिन आपके आगे की व्यवस्था यह है, बहुत खराब मट्टी जी, बहुत गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पर, और ये तो 12 महीने भर रहता है सीवरा पानी गंदा, मच्छर मक्खी, गर्मियों तो इतना है, डेंगू होते हैं बच्चे वहाँ पर, कोई संभाल नहीं कर रहा है। एमएलए साहब के करोगे, एमएलए साहब भी कई बार आए हैं, लेकिन कर्मचारी भेजे हैं, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर समाधान नहीं, बम बम पड़वा दो इसमें कॉलोनी में, क्या बम पड़वा दें भाई साहब, इतनी खराब मट्टी देखो आप मौके पे, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे, गरीब बच्चे की चोट लग जाती हैं, रिक्शा, कितनी आबादी है इस एरिया में, कम से कम आबादी है, कम से कम पूरे यहाँ पर आबादी 5 से 7 हज़ार तक है, 5 से 7 हज़ार की आबादी का यो हाल है, यो हाल है जी। तो एमएलए की बार फिर आओ वोट मांगने, देख एमएलए आवा तो तुम्हारा भाई पक्के है, जो तुम्हारा एमएलए तो कहीं आओगे ना, कोई भी आओ इसने रास्ता नहीं करेगा, इतना जूत लगेंगे उरे, हमने तो वोटे नहीं गिरना है, सोच रखा है, कसम खा ली, अब विनती है जो हिंदुओं ने बचावे है, सारे काम बचावे है, वो हिंदू बचाए वो तो अच्छी बात है, साथ साथ लोग भी बचाओ, और लोग भी बचाने हैं, एक दिन धरना प्रदर्शन इनका नाम कब कर दो, कई बार क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पर भाई साहब, कई बार कर लिया हमने, आई बात कई बार बैठ लिए धरना, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, ये 5,000 लोग विधायक को, 5,000 लोग एमपी ने, 5,000 लोग चेयरपर्सन ने दिखे हैं या कौन नहीं दिखे, लेकिन यह है या तो समस्या समस्या बार मास ब्याई गई, इसमें क्या विधायक तो सारा कोशिश करता है, देखो मौका देखो, मौका देखो, आ जाओ, आ जाओ, ईवीओ देख लो जी, यो मेरे लिए इतफाक बना है, अरे कार्ड है ना, बच्चे पड़ जाके दे, चल 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 आराम से, देखो जी लिख लिख कुकर गए, देखो बड़े बच्चे, देखो जी भाई उतना पड़ेगा, आंटी उतर ले आराम से, देखो क्या हो रहा है यो, तेरे दज्जे नीचे पैया और जानते उतर जो, अरे और क्या तत्काल पड़ो, इस बीमारी का भट्ठा बैठ चुका है जी, खत्म हो चुकी बीमारी, यहाँ देखो जी ये आते नहीं मेरे कितने गंदी सिटी लगे ना, नाला सीवर का पानी है, सीवर का पानी है, सीवर का सारा पानी, देखो क्या करा माटी, देखो जी अब बच्चा साथ पड़ जाइए, क्या हाल होगी बच्चों की, यहाँ कोई अब से सुनाई नहीं करता, सब कमीशन काम होता है शहर में, ये पब्लिक हेल्थ के अब से सारे डैमेज हो चुके हैं, सब कमीशन काम करते हैं यहाँ, और नकली बिल बनाते हैं यहाँ अफसर, एक्शन SC ये सब बिके हुए हैं, और ना MLA मानते हो कुछ भी, MLA बार में कहता हूँ उनको, सारा शहर का नाश हो चुका है, आप देख लो मौका पे, चला चला जी यार, चला
लो जी, आज ये महापुरुष हैं शहर के लिए साबित ये होंगे क्योंकि आज व्यवस्था के लिए व्यवस्था बनाओगे भाई साहब। देखो अगर ये नहीं हो तो क्या हाल है। देखो 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 छोटे बच्चे दिखाओ, देखो छोटे बच्चे अब जताए छोटा बच्चा। देखो मौका पे देखो जी सारे हमारे बस्ती गरीब आदमी देखो चला ये काम करते हैं। चलो जी होगा खत्म होगा भाई साहब, सासू मरेगी समाधान नहीं होगा। रोज फोन करो एमएलए बनूंगा, कभी मैं एमएलए चेयरमैन भी बनूंगा। एमसी बनाया क्या था इसमें, पचीस एमसी बनाया है यार। मैं बताऊं जी कोई को नहीं आओ रे जी, काम सौदा फैल हो लिया बैठने का, सौदा फैल हो लिया बैठने का सौदा फैल हो लिया। चलो जी 5000 आबादी का वाला छत्तर है यो और उसकी व्यवस्था यह है। एक और चाहे छोटी लेकिन यह भिवानी शहर की व्यवस्था है। और बारिश कितनी आई भाई, बारिश कितनी आई रात रहे, बारिश बारिश आई घड़ी सीवरा पानी है तो सिर्फ। अच्छा सीवर से पानी, सीवरा पानी है, सीवर डैमेज खत्म हो रहे हैं, डैमेज खत्म खत्म 0 पॉइंट पे। चलो जी बारिश सीवरेज का पानी। मैं यहाँ से आज के पे हूँ तो मेरे शरीर में कप में चढ़ गई कप कपी गंदगी देखे, लेकिन यहाँ से जो लोग लोग रोज गुजरे हैं रोज आवे हैं उनके की व्यवस्था होती होगी बेरायक होनी। ये चीज़ें भी हैं या वास्तव में इस चीज़ के ये लोग आदि हो गए। बस यह है कि ये लोग अब इस व्यवस्था के आदि हो गए और हकीकत यह है कोई आम आदमी आगे नु कदर है कि मैं इस रोड पर चढ़ आया मेरा कब कब कौन चढ़ी तो भाई जो कहोगे वो कर दूंगा आज ना क्या देख बना। लेकिन वास्तव में आज बस पूरा शरीर में कपड़े चढ़ रही है गंदगी देखते हुए। जे एन सी नोश है अजय नायक पंकज सोनी।